ठीक है। आदरणीय शिक्षकगण, अतिथिगण, मेरे सभी सहपाठीगणों को मैं आज के 26 जनवरी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के बीच 26 जनवरी मैं आप लोगों के बीच अनुशासन पर कुछ शब्द प्रस्तुत करनी चाहती हूँ। गलती हो तो क्षमा की गुजारिश है। अनुशासन इसका अर्थ है निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना। डिसिप्लिन मीन्स द हैबिट ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल्स। डिसिप्लिन मीन्स द हैबिट ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल्स। हम लोग घर पर भी कुछ नियमों का पालन करते हैं। परिवार में सभी लोग परिवार के मुखिया की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो परिवार में कभी शांति नहीं रहेगी। स्कूल मदरसों में बच्चों को सिखलाया जाता है कि वे दूसरे के साथ किस तरह बर्ताव करें और उन्हें बड़ों तथा शिक्षकों की आदर करने की शिक्षा दी जाती है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। बिना अनुशासन के समाज और देश में अराजकता फैल जाएगी। यदि सैनिकों में अनुशासन न रहे तो वे युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। डिसिप्लिन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। डिसिप्लिन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। इट गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर माइंड एंड बॉडी। अनुशासन जीवन की हर सफलता का रहस्य है। यह चरित्र मस्तिष्क और शरीर को शक्ति प्रदान करता है। यह एकता और सहयोग लाता है। अनुशासन का पालन न करने वाला कभी अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है। अनुशासन की आदत बचपन से ही करनी चाहिए। इसकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।